नमस्कार, सोनपुर मेले में हैं एक बार फिर से और लगातार जैसे कि हम सोनपुर मेला के कई रंग आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि सोनपुर मेला हम जाएं कैसे, तो मैं आपके लिए कम्युनिकेशन का वे बताता हूं कि अगर सोनपुर आपको पहुंचना है तो उत्तर बिहार से अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे आसान है कि आप हाजीपुर पहुँचें किसी भी बस से या ट्रेन से। या ट्रेन से आ रहे हैं तो सीधा सोनपुर उतर सकते हैं और हाजीपुर उतरने के बाद किसी भी ऑटो में बैठेंगे आप और उसको कहेंगे कि हमको सोनपुर जाना है, तो सोनपुर के पुराने ब्रिज पर ला करके वो छोड़ेगा। 10 या 20 रुपया शायद भाड़ा होगा वहाँ तक आने के लिए। लेकिन अगर आप कहीं दूसरे जगह से आ रहे हैं, उत्तर बिहार को छोड़ के कहीं और से आ रहे हैं, तो आप पटना पहुँचिए। पटना से नए ब्रिज या पुराने ब्रिज से किसी भी रूट से अगर आप आएंगे तो आपको हाजीपुर या सोनपुर आने के लिए बस या अनेक तरह की सुविधाएँ हैं, उससे आ सकते हैं और वहाँ से फिर ऑटो से यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से आते हैं तो सोनपुर स्टेशन उतरने के बाद ऑटो से 10 रुपया मात्र खर्च करने के बाद आप सोनपुर पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल अब बाहर के लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हम सोनपुर जाएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। तो सोनपुर आने के बाद आपको पटना यहाँ से नज़दीक है, मात्र 14 या 15 किलोमीटर है, पटना में आप ठहर सकते हैं। हाजीपुर बगल में है, यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर हाजीपुर की दूरी है। हाजीपुर में कई होटल्स हैं, वहाँ आप रुक सकते हैं। और मेले में अगर बाहर से आ रहे हैं तो बिहार पर्यटन के द्वारा कॉटेज बनाया गया है, कॉटेज को भी आप ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ रुक सकते हैं, ये सुविधाएं हैं। इसके अलावा मेरे पीछे आप देखिए अनेक जगहों से लोग आकर के मेला घूम रहे हैं और जिस दिन मेला का शुरुआत हुआ यानी ओपनिंग के दिन, उसके ठीक दूसरे दिन कार्तिक पूर्णिमा था और आपको जैसा कि हमने दिखाया था खचाखच भीड़। हमें ये महसूस हुआ कि ये मेला कुंभ मेले से कहीं कम नहीं है जैसा उस दिन रस था। अभी तो कम है लेकिन लगातार 1 महीने तक ये मेला चलेगा, 12 दिसंबर को इसकी समाप्ति होगी। इस बीच में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। और सोनपुर मेले का मुख्य आकर्षण कैटल फेयर के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन पूरे देश से व्यापारी यहाँ अनेक तरह की चीज़ें बिकने आती है, अनेक तरह के झूले हैं, मनोरंजन का कई साधन है। बिहार टूरिज्म ने भी मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ों को यहाँ उपलब्ध कराया है। कई लोक संगीत के कलाकार यहाँ आते हैं, रोज़ परफॉर्मेंस देते हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ का कैटल फेयर है जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा घोड़े यहाँ बिकने के लिए आए हैं, जिस पर एक अलग से हमने स्टोरी किया है और उसमें दिखाया भी आपको कि कैसे यहाँ अनेक नस्लों के घोड़े मिल रहे हैं और उसका कीमत भी उसके नस्ल और क्वालिटी के हिसाब से है। उसके बाद यहाँ प्रदर्शनी के लिए 7-8 हाथियों को भी लाया गया, लोग बाहर से आते हैं उसको देखने के लिए। इस बार चिड़िया बाज़ार नहीं लगा, जहाँ हम खड़े हैं यहीं चिड़िया बाज़ार पहले लगा करता था, चिड़िया बाज़ार इस बार नहीं लग पाया। प्रशासन कह रही थी कि उसके लिए व्यवस्था करवाया जा रहा है लेकिन शायद उसका परमिशन नहीं मिला। मेले में 7 थिएटर हैं, युवाओं को आकर्षित करती है ये, पूरे बिहार से युवा थिएटर देखने के लिए आते हैं और उस पर हमने कई स्टोरी की है और शायद उम्मीद है कि आज थिएटर शुरू भी हो जाएगा। और ये था सोनपुर अगर पहुँचने के लिए, जैसा आप लोगों ने पूछ रहे थे कैसे पहुँचेंगे, उस पर एक विस्तृत जानकारी थी। अगर मेले के और कोई रंग आप देखना चाहते हैं या मेले से जुड़ी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो हम लगातार हर दिन एक स्टोरी मेला पर कर रहे हैं। आप अपने सवाल सीधा हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगली रिपोर्ट में या अगली खबर में आपके उन सवालों का भी प्रमुखता से जवाब दें। धन्यवाद।